अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th. स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एक्सप्रेशन डिस्कस किया था वो के ए प्लस के बी प्लस के सी टाइप का था. आज इस लेक्चर में हम एक्सप्रेशन जो है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी टाइप के एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप है हमारे पास ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी. इससे पहले जो हमने एक्सप्रेशन की टाइप डिस्कस की थी वो थी के ए प्लस के बी प्लस के सी थी, जिसमें हमारे पास थ्री टर्म्स थी या दो टर्म्स भी हो सकती थी. तो उन तीनों टर्म्स में से हमने के कोई एक जो नंबर था वो कॉमन होता था, हम उसे कॉमन लिखते थे, और बाकी जो हमारे पास नंबर्स होते थे उनको लिखने के बाद जो हमारे पास फैक्टर्स आते थे उन्हें हम कहते थे ये फैक्टराइजेशन है एक्सप्रेशन की. तो आज हमारे पास जो एक्सप्रेशन टाइप है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के जो प्रोसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं एक्सप्रेशन की टाइप्स की वजह से, तो जो हमने पहले फैक्टराइजेशन इस टाइप पे की थी यहाँ पर हमने कॉमन लिया था. यहाँ पर अब हमारे पास जो टाइप है एक्सप्रेशन की, यानी इस तरह का अगर एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें फोर टर्म्स हों और फोर टर्म्स में चारों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ए सी ए डी बी सी और बी डी, पहली दो टर्म में ए तो कॉमन है लेकिन दूसरी जो थर्ड टर्म है उसमें भी ए नहीं है और फोर्थ टर्म में भी ए नहीं है. इसी तरह से फर्स्ट टर्म का जो सी है वो दूसरी टर्म में नहीं है, तीसरी टर्म के पास है जबकि फोर्थ टर्म के पास नहीं है. तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें चारों टर्म के पास कोई कॉमन ना हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं. वो उसके पास हमारा प्रोसीजर है इस तरह से कुछ, जिसमें मैं आपको इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखना सिखाऊंगी कि ए सी प्लस ए डी प्लस बी डी प्लस बी सी प्लस बी डी को हम ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं. ये हमने ग्रुपिंग की है. इस तरह की फैक्टराइजेशन को करते हुए पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्रुपिंग का, यानी कि हमने ग्रुप बना लेने होते हैं दो टर्म्स के. तो यहाँ पर मैंने जो ग्रुप बनाए हैं वो ए सी प्लस ए डी का ग्रुप बना लिया है. ये ग्रुप हम बनाते हैं जो ये हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स को देखते हुए ग्रुप बनाते हैं. यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो दो टर्म्स हैं इन दोनों के पास ए कॉमन था, तो मैंने इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया, यानी इनके पास कॉमन है फैक्टर, तो इनकी ग्रुपिंग कर दी. अब जो हमारे पास बाकी दो टर्म्स हैं इनके पास बी कॉमन था, तो मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, यानी कि इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. और हमारे पास अब जो ग्रुपिंग हो गई है वो हमारे पास इस तरह से है कि हमने ब्रैकेट शो करके इनकी ग्रुपिंग को शो करना है. जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हम पहले फैक्टर में से जो हमने ग्रुपिंग की थी उस ग्रुप में से कॉमन ले लेते हैं, और जो हमने दूसरा ग्रुप बनाया था उसमें से भी जो कॉमन फैक्टर होता है उसे हम बाहर लिख देते हैं. इस तरह से हमारा सेकंड स्टेप होता है इसके, यानी कि थ्री स्टेप्स हैं. वन स्टेप में ग्रुपिंग थी, सेकंड स्टेप में जो ग्रुप बनाए थे उनमें से कॉमन लिया था, और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है उसमें भी कोई कॉमन फैक्टर होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सी प्लस डी, सी प्लस डी दोनों में कॉमन था इन दोनों टर्म्स में, तो हमने इन दोनों टर्म्स का सी प्लस डी एक बार बाहर लिखा और बाकी आ गया ए प्लस बी. तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप है जिसमें हम सेकंड स्टेप में से फिर अगेन कॉमन लेते हैं, जिस तरह कि हमने अपनी फर्स्ट टाइप में कॉमन लेना सीखा था. हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझ लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास बुक की एग्जांपल है जिसमें एक एक्सप्रेशन है 3x-3a प्लस xy-ay. ये फर्स्ट टाइप से बिल्कुल नहीं मिलता है, फर्स्ट टाइप से आपने इसको जो है वो कन्फ्यूज़ नहीं करना. फर्स्ट टाइप में हमारे पास सारी टर्म्स में कोई ना कोई नंबर जो था वो कॉमन होता था, कोई ना कोई फैक्टर कॉमन होता था. यहाँ पे अगर आप देखें तो 3x, 3a, xy और ay में चारों में एक जो नंबर है या फैक्टर है वो कॉमन नहीं है. तो इसको हम किस तरह से सोल्यूशन करते हैं, हमने ये पढ़ी है टाइप टू, इसको कहते हैं टाइप टू फैक्टराइजेशन. एक्सप्रेशन की टाइप टू है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं. तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग करनी होती है स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत देख के और सोच समझ के करनी होती है. समटाइम्स तो हमें ग्रुप जो है वो सीरीज़ की फॉर्म में ही मिलते हैं, और समटाइम्स हमने खुद अरेंज करने होते हैं. यहाँ पर ग्रुपिंग जो है वो अरेंज है, यानी कि पहले दो की ग्रुप बना लेती हूँ मैं. यहाँ पर 3x-3a इन दोनों को मैंने एक ग्रुप में लिख दिया, प्लस साइन था बाहर, और अंदर है xy-ay. यहाँ पर मैंने इन दोनों के ग्रुप बना दिए हैं और इन दोनों के ग्रुप बना दिए हैं. अगर आप इनको एक और तरह से भी ग्रुपिंग हो सकती है, यानी इनको अगर हम 3x और xy को ग्रुप बना लें और 3y और ay का ग्रुप बना लें तो ये भी चलेगा. लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके मैंने सिंपल जो है वो सामने ही दो में जो गिवन थी अरेंजमेंट, उसी अरेंजमेंट में मैंने ग्रुपिंग कर दी है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस टाइप में जो ग्रुप बनाए होते हैं उनमें से कॉमन लेते हैं. तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है, यानी दोनों टर्म के पास थ्री है. तो थ्री एक बार बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचता है, x-a.
फिर प्लस साइन जो हमारे पास एक्सप्रेशन का था, अब दूसरे ग्रुप में से कॉमन लेना है तो दूसरे ग्रुप की दो टर्म्स हैं उन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, तो वाई लिख दिया बाहरी कॉमन में, और अंदर जो बचता है वो है एक्स माइनस ए, क्योंकि इसके पास y कॉमन था तो x आया और यहाँ से y कॉमन गया तो a आ गया। अब जो थर्ड हम स्टेप करते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे पास जो सेकंड जो एक्सप्रेशन आया है इसमें से कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखें सेकंड स्टेप में x माइनस ए कॉमन है, तो इसको x माइनस ए को मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से। अब ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स इस तरह से हैं कि दरमियान में प्लस है और ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक टर्म बनाते हैं। इन दोनों टर्म्स में से अब क्या कॉमन है, x माइनस ए कॉमन है, तो मैंने x माइनस ए को एक वन टाइम यहाँ बाहर लिख दिया। ब्रैकेट लगाएंगे कॉमन लेने के बाद, जो बचता है उसको लिखते हैं, वो है थ्री प्लस और इसके पास बचा y। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं जो कि हम फैक्टराइजेशन का मकसद है। तो ये फैक्टर्स जो हैं हमारे पास आए हैं, अगर हम इन्हें दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि गिवन है। एग्जाम्पल में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो अब हम एग्जाम्पल टू को भी देख लेते हैं बुक की, इस टाइप से जो रिलेटेड है। एग्जाम्पल टू देखते हैं, एग्जाम्पल टू में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर माइनस आर क्यूब। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो एग्जांपल टू है पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास ये तो फर्स्ट टाइप का एक्सप्रेशन है। क्यों फर्स्ट टाइप का एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉमन है आर। ये देखें फर्स्ट एक्सप्रेशन में आर, सेकेंड एक्सप्रेशन में आर, थर्ड में आर, फोर्थ में आर। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अपने पहले एक्सप्रेशन की टाइप के मुताबिक। हम क्या करते थे, पहले एक्सप्रेशन की टाइप में कॉमन लेते थे, तो यहाँ पर ये है तो सेकंड टाइप, लेकिन इस वक्त ये फर्स्ट टाइप भी शो कर रहा है। तो हम इसे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप करेंगे वो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन के मुताबिक करेंगे, यानी कि आर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ आर कॉमन और बाकी एक्सप्रेशन में क्या बचता है, पी क्यू, क्योंकि आर वन था, दूसरे सेकेंड टर्म के पास टू था, थर्ड टर्म के पास टू था और फोर्थ टर्म के पास थ्री था, तो सिर्फ जो कॉमन है वो क्या है, वन आर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आर की पावर वन कॉमन ली है। जो फर्स्ट टर्म के पास पी क्यू यहाँ पे बचता है, फिर प्लस साइन, सेकंड टर्म के पास बचता है क्यू आर, ये जो टू आर थे उनमें से एक आर कॉमन में चला गया है, तो वन लेफ्ट पावर जो है, माइनस साइन ये वाला है एक्सप्रेशन के अंदर, और एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म के पास बचता है पी और आर सिर्फ, क्योंकि टू आर थे तो वन आर कॉमन में चला गया। फिर माइनस साइन आया है, ये मैं एक्सप्रेशन से साइन ले रही हूँ, माइनस साइन और आर क्यूब था, इसमें से टू आर वन आर बाहर चला गया तो बाकी बचते हैं टू, तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स जो फर्स्ट स्टेप किया है ये फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन के मुताबिक किया है, जिसमें हम कॉमन लेते थे, मोस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेते थे। अब हम देखें अगर अपने ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर अब ये एक प्राइम फैक्टर है, यानी कि हम इसमें से फर्दर कॉमन नहीं ले सक रहे हैं, तो ये हमारी बन गई है सेकेंड टाइप। अब ये जो हमारी ब्रैकेट है ये पूरी जो है वो शो कर रही है सेकेंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस लेक्चर में। तो इस टाइप के मुताबिक हम क्या करते थे, ग्रुपिंग करते थे। तो यहाँ पर मैं आर को एज इट इज़ बाहर रहने दूंगी, और यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रैकेट, स्क्वेयर ब्रैकेट, और अंदर वाली जो हमारी ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं इनको हम अपनी सेकेंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन के मुताबिक सॉल्व करते हैं, यानी ग्रुपिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ग्रुप बना लेते हैं पी क्यू क्यू आर, और अगर हम देखते हैं ग्रुप बनाते हुए हमें देखना पड़ता है कि कौन सी टर्म्स को एक साथ रखना है। अगर हम दोनों पहली दो टर्म में देखें तो क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, दूसरी टर्म दोनों में आर कॉमन है और बचेगा पी माइनस आर, यानी कि हम इसी अरेंजमेंट में इन्हें कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगी पी क्यू प्लस क्यू आर, ये बन गया ए ग्रुप, माइनस पी आर, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर बचता है प्लस आर स्क्वेयर, ये मैंने बना दिया दूसरा ग्रुप। यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले लिया है क्योंकि ब्रैकेट लगानी थी, ग्रुप बनाना था, तो माइनस बाहर है, पी आर प्लस आर स्क्वेयर का ग्रुप बन गया है, माइनस इस माइनस के कॉमन लेने की वजह से प्लस हो गया है। अगर आप इस माइनस को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन माइनस ही आ जाएगा, ओपन होने के बाद प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपने परेशान नहीं होना है, हम साइंस को भी कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रुपिंग हमारी हो गई है तो अब हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे, आर को एज इट इज़ रहने देंगे बाय। ग्रुपिंग के बाद हम क्या करते थे, जो ग्रुप बनाए होते थे उनमें से कॉमन लेते थे। तो यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर में से क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, ब्रैकेट में अंदर क्या लेफ्ट है, पी प्लस आर, Q
क्यू बाहर चला गया, तो पी और आर यहाँ पे बच गए। अब माइनस साइन है बाहर। अब दूसरे ग्रुप में से क्या कॉमन है? आर कॉमन है, और आर के साथ निकालने के बाद क्या बाकी बचता है? पी प्लस, यहाँ पे टू आर थे, वन आर कॉमन गया है, तो एक आर अंदर ही रह गया। अब हम क्या करते हैं, जो हम ग्रुपिंग करने के बाद क्या करते थे, फिर से देखते थे कॉमन कौन सा फैक्टर है। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर्स हैं दोनों टर्म के पास, तो उनमें से पी प्लस आर वाला फैक्टर दोनों के पास कॉमन है, तो ये एक बार बाहर लिखेंगे पी प्लस आर, ये पूरा फैक्टर कॉमन है। पूरा फैक्टर कॉमन लेने के बाद बचता है क्यू माइनस, इसके पास बचा आर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो है हमारी ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं पी प्लस आर, क्यू माइनस आर, और बाहर भी आर है, तो ब्रैकेट ख़त्म करें और पी प्लस आर इंटू क्यू माइनस आर, ये तीन फैक्टर्स आ गए हैं, फैक्टराइजेशन हो गई है हमारी एक्सप्रेशन की। कौन से एक्सप्रेशन की? पी क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर माइनस आर क्यूब, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था इसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं आर इंटू पी प्लस आर और क्यू माइनस आर, यानी इन तीनों फैक्टर्स को अगर आप प्रोडक्ट लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इसी टाइप से रिलेटेड है। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1, हम 5.1 कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जो टाइप है वो सेम है जो हम अभी एग्जांपल्स में सॉल्व कर रहे हैं। इसका फोर्थ पार्ट है, पहला पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर टर्म्स हैं, पहले हमने देखना होता है कि इनमें फोर्थ टर्म में कोई कॉमन है या नहीं, यानी कि हमारी पहली टाइप है कि नहीं। तो अगर आप देखें तो जो हमारे पास फोर टर्म्स हैं इनके पास कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, तो हम ये जो हमारी फर्स्ट टाइप एक्सप्रेशन नहीं है, ये सेकेंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है जिसके मुताबिक हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो ऐसी टर्म लेनी है जिनको ग्रुप बनाएं तो उनमें से कॉमन आ जाए। अगर आप इन दोनों देखें एक्सप्रेशन को, दोनों टर्म्स को देखें, तो इन दोनों के पास ए तो कॉमन है और दूसरों बाकी दो टर्म्स के पास भी बी कॉमन है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसकी अच्छी जो है वो ग्रुपिंग हो सकती है, अगर मैं 5ax और 5bx को कॉमन ले लूँ और 3ay और 3by को कॉमन ले लूँ, यानी कि ग्रुपिंग बना लूँ। तो यहाँ पे हम इसे रीअरेंज करते हैं, इसकी ग्रुपिंग को रीग्रुपिंग करते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ 5ax ये साइन समेत 5bx को लेंगे तो माइनस 5bx, क्योंकि 5bx का साइन है माइनस, उसको साइन के साथ यहाँ लिखना है। फिर हमारे पास है, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ माइनस 3ay और प्लस 3by, ये मैंने क्या किया है, मैंने इन्हें रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के बाद अब मैं इनकी ग्रुपिंग करूँगी, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास जो है वो ऑर्डर में ही, एक तरतीब में ही ग्रुपिंग हो जाती है, लेकिन समटाइम्स हमें खुद से जो है वो सोचना पड़ता है कि हम कौन से दो टर्म्स को मिलाएं और दोनों की ग्रुपिंग करें। तो यहाँ पे मैंने 5 और 5 की जो है ग्रुपिंग की है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ग्रुप बनाए होते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी ग्रुप नहीं बना रही क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेना है, तो यहाँ पर अगेन मैं राइट करती हूँ ग्रुपिंग करने के लिए 5bx माइनस 3ay माइनस 3by। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैंने y लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ शो किया है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद मैंने माइनस इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया है ये वाला माइनस। तो जब दोनों टर्म में से साइन को कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है बाकी दूसरी टर्म में से, तो इस टर्म का प्लस हो गया, पहले माइनस था और दूसरी टर्म का प्लस था तो माइनस हो गया है। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप में ग्रुपिंग की है, पहले हमने रीअरेंज कर लिया और फिर सेकेंड स्टेप में हमने इसको ग्रुपिंग की है। अब हम क्या करेंगे, जब ग्रुप बना लेते हैं तो उन ग्रुप में से कॉमन लेते हैं फैक्टर्स को, तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और x कॉमन है दोनों के पास, तो मैं लिखूंगी 5x कॉमन में चला गया, बाकी रहता है a माइनस बी माइनस का साइन। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है दोनों का और दूसरा y कॉमन है, तो यहाँ हम लिखते हैं 3y, बाकी क्या बचता है a माइनस बी, यानी इसके पास a और ये वाला b नीचे आ गया। अब जो थर्ड स्टेप होता है स्टूडेंट्स, एक और बात जो बहुत अहम है कि हमने जो ग्रुपिंग करते हुए देखना होता है कि जो थर्ड स्टेप आएगा उसमें भी हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर निकले। समटाइम्स हम ग्रुप बना लेते हैं और हमारे पास फर्स्ट स्टेप में तो कॉमन आ जाता है, जैसे कि इसमें 3 और 3 कॉमन है और 5 और 5 कॉमन है, लेकिन इस स्टेप में जाकर कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा होता। तो हम जब ग्रुपिंग कर रहे होते हैं इनको, तो हम इनको इस बात को भी जहन में रखते हैं कि जो सेकेंड स्टेप आए वहाँ पर भी कोई फैक्टर कॉमन आना चाहिए। अब यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है इसमें a माइनस बी कॉमन है, a माइनस बी लिख दिया
और बाकी जो बचता है वो है 5x-3y। यहाँ a माइनस बी के कॉमन लेने के बाद 5x बचा और यहाँ पे -3y। ये हमारे क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर टू का हम सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है 3xy+2y-12x-8। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास पहले हमने पहली टाइप को चेक करना होता है। पहली टाइप के मुताबिक सब में कॉमन होना चाहिए, सारी टर्म्स में कोई फैक्टर कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो y y जो इनके पास नहीं है, 3, 2, 12, 8 नहीं है, यानी कि ये एक्सप्रेशन टू है। एक्सप्रेशन टू को हम ग्रुपिंग से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रुप बनाने हैं स्टूडेंट्स, वो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स में से, दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है। सिर्फ y कॉमन आ सकता है, बाकी बचेगा 3x+2। अगर इन दोनों को ग्रुप बनाएं तो क्या बचता है, इनमें से आता है कॉमन 4, क्योंकि 12 और 8 दोनों एक 4 के टेबल में जाते हैं। तो बाकी बचता है 4 थ्री द 12 और x-4 to the 8। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टर्स बन रहे हैं, माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इट मींस कि हम इनकी इस तरह से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। वरना तो एक और इनकी जो ग्रुपिंग हो सकती है वो ये है कि 3xy को 12x के साथ और 2y को 8 के साथ रखेंगे, यानी कि दो तरह से ग्रुप बन सकते हैं। यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं साइड पर, 3xy को मैं 12x के साथ ग्रुप बना लेती हूँ और प्लस 2y और -8 का ग्रुप बना लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये ग्रुपिंग ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 3x कॉमन है, बाकी बचता है y-3 for the 12 plus 2 common y-2 for the 8, यानी कि ये ग्रुपिंग भी ठीक है 3x+2। ग्रुप बनाने से स्टूडेंट्स, ग्रुप को रीअरेंज करने से या चेंज करने से हमारा आंसर चेंज नहीं होता है, सिर्फ जो है वो कॉमन जो फैक्टर हैं वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हमारा आंसर आ रहा था, 3x+2 y-4, और यहाँ पर भी हमारा y-4 3x+2 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमारे पास क्वेश्चन में ग्रुप जो तरतीब है उसी तरतीब में इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको ग्रुप चेंज ना करना पड़े। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले अगेन क्वेश्चन को लिख लूँगी, 3xy+2y-12x-8। ये मैंने एक्सप्रेशन की जो ऑर्डर था उसी ऑर्डर में इसे लिख दिया है। अब हम ग्रुपिंग के लिए इन दोनों के ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों के ग्रुप बनाएंगे। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी बाहर माइनस आता है, यानी इस टर्म का जो माइनस होता है, इसको भी कॉमन लेते हैं ग्रुप बनाते हुए। तो यहाँ पे इस स्टेप में मैं कॉमन लेकर लिखूंगी, 3xy+2y की ऐसी ग्रुपिंग हो गई माइनस, और यहाँ से मैंने कॉमन जो है सिर्फ माइनस लिया है इनकी ग्रुपिंग करते हुए 12x+8। यहाँ माइनस कॉमन लिया ग्रुप बनाते हुए, ब्रैकेट जो लगानी थी ग्रुप बनाते हुए, तो माइनस में इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये पॉजिटिव हो गया 12 और 8 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुपिंग के बाद क्या करते हैं, ग्रुप में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या है, वाई कॉमन है, सिर्फ ये कॉमन है वाई, 2 और 3 में से कुछ कॉमन नहीं है। तो बाकी हमारे पास बचता है 3x+2, जो बाकी बचा वो 3 और 2 है। माइनस साइन लगाया और 12 और 8 में से हमने कॉमन लेना है। तो 12 और 8 में से कॉमन कैसे आता है स्टूडेंट्स, जो हम ये देखते हैं कि दोनों जो नंबर हैं वो एक टेबल में डिवाइड होने चाहिए, या हम इस तरह से भी करके देख लेते हैं, 4 3 द 12 और 8 देखते हैं 4 2 द 8। तो 4 दोनों में कॉमन है, बाकी 3 और 2 बचता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 4 और बाकी 4 3 द 12x+4 2 द 8। यहाँ पर स्टूडेंट्स x कॉमन नहीं था, x को ऐसे ही रहने दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फर्दर कॉमन आना चाहिए, तो वो स्टेप में है 3x+2 कॉमन, तो हमने लिख दिया 3x+2 कॉमन लिख दिया। अब जो बचता है वो क्या है, y-4। तो हमारा आंसर जो है वो 3x+2 × y-4, दो फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर टू का जो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, वो क्या है, थर्ड एक्सप्रेशन में है x³ + 3xy² - 2x²y - 6y³। अब यहाँ पर हमने पहला देखा तो पहली टाइप तो नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं है चारों टर्म्स में। सेकंड टाइप में हमने ग्रुपिंग करनी होती है, तो ग्रुप भी देखकर करते हैं कि किन जो हम दो टर्म्स का ग्रुप बनाएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दो तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी कि हम इन दोनों टर्म्स की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं इस तरह से, या हम ये कर सकते हैं कि x³ को हम ग्रुप बना लें 2x²y के साथ और 3xy² का ग्रुप बना लें हम 6y के साथ। इस बार हम इस तरह से करते हैं, थोड़ा ग्रुपिंग चेंज करके करते हैं, सीरीज़ वाले ग्रुपिंग नहीं बनाएंगे। तो मैं लिखने लगी हूँ x³ - 2x²y, यानी मैंने x³ और इन दोनों को एक साथ रख दिया, ग्रुप बना लिया
फिर प्लस 3xy² माइनस 6y³, और इस तरह से इन दोनों के ग्रुप बना लिए। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बाहर प्लस था तो मैंने ब्रैकेट लगाई, लेकिन साइन चेंज नहीं किया, जो कि माइनस ही था 6 का। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुपिंग में से कॉमन लेते हैं, तो ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन लें तो आता है इसके पास x³ है और सेकंड टर्म के पास x² है, तो 2x की पावर 2 जो है वो दोनों के पास कॉमन है, तो x² लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर इस जगह पर बचता है 1x, क्योंकि 2 3 में से 2 पावर बाहर चलेगी, तो 1 लेफ्ट माइनस 2y, क्योंकि यहाँ पर पूरा x² बाहर आ गया है कॉमन में, तो अंदर लेफ्ट है 2y, फिर प्लस साइन। और अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने हैं, 3 और 6 में से देखेंगे तो दोनों एक ही टेबल पर जाते हैं 3 के, तो 3 को कॉमन ले लिया और x कॉमन नहीं है, y 3 है और पहली टर्म के पास 2 है, तो 2 जो है वो y कॉमन ले लेंगे, y² अंदर। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचता है, 3 और y² कॉमन चले गए, x बचता है यहाँ पर, क्योंकि 3 1 3 होता है माइनस 6, 3 के टेबल में कौन से किस नंबर पे आता है 2, तो 3 2 6, और यहाँ y 3 थे और 2 y चले गए, तो 1 y लेफ्ट है। अब स्टूडेंट्स अगर आप थर्ड वाले स्टेप में देखें तो x माइनस 2 y कॉमन है, इसको एक बार लिख लेंगे x माइनस 2 y, ये कॉमन है। बाकी क्या बचता है, x² + 3 y², तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टर्स आ गए हैं, हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर्स आ गए, यानी फैक्टराइजेशन हो गई है, हम इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं बना सकते, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो है x² - y² (z) + y² - z² (x). स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारी टाइप से, वो इस तरह से कि यहाँ पर जो हमारी टाइप थी जिसमें 4 टर्म्स होती थी वो हमें नज़र नहीं आ रही हैं, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नज़र आ रहा है वो फैक्टर्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम z को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी टाइप को शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं करती हूँ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा x² z, यानी x² को मल्टीप्लाई किया z से और y² को z से, माइनस y² z + y² x को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब है z² x, ये अब हम देखें तो हमारे पास कौन सी टाइप आ गई है। पहले मैं फर्स्ट टाइप में चेक कर लेते हैं इनमें कॉमन है कुछ के नहीं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों टर्म्स के पास z भी कॉमन नहीं है, x भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुप बनाते हुए हम सोचेंगे, देखेंगे कि हम कौन से ग्रुप ऐसे बनाएं कि जिनमें से कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे ग्रुपिंग में मैं जो हूँ वो एक्स जी और y² x का ग्रुप बना लेती हूँ, वैसे तो इन दोनों में भी z कॉमन है और इन दोनों में x कॉमन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो 4 टर्म्स आई हैं हमने इनके ग्रुप्स बनाने हैं और ये देखकर बनाने हैं कि दो ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जिनमें से कॉमन लिया जा सके और नेक्स्ट स्टेप में भी कॉमन आए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x² z को मैं बनाऊँगी y² x के साथ, x² z + y² x, और इन दोनों के ग्रुप बनाएंगे, ऐसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, -y² z - z² x। अब ये मैंने जो ग्रुप बनाए हैं इनको पहले भी सिर्फ रीअरेंज किया है टर्म्स को, इसको इस टर्म के साथ रखा है और y² z को z² x टर्म के साथ रखा है। अब यहाँ पर मैं इनको ब्रैकेट में क्लोज करूँगी, x² z ग्रुप की फॉर्म में, y² x। माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि बाहर माइनस है, तो हम ग्रुपिंग करते हुए माइनस कॉमन ले लेते हैं, बचता है y² z + z² x, ये जो माइनस था ये माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ग्रुपिंग करते हुए, ग्रुपिंग के बाद हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, अब x कॉमन है क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, बाकी टर्म्स जो है फैक्टर्स कॉमन नहीं है, x कॉमन x चला गया बाहर, तो यहाँ बच गया x z + y² माइनस साइन। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है हमारे पास, z एक बार वाला कॉमन है क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 1 कॉमन आ गया, बच गया y² + z x। अब स्टूडेंट्स हमने थर्ड स्टेप में देखना होता है कि हमारे पास फर्दर एक फैक्टर कॉमन आए, तो अगर आप देखें तो ये दो फैक्टर्स जो है हमारे पास ये दोनों कॉमन हैं, बस इनकी अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डर जो है वो चेंज है, यहाँ z x पहले है और यहाँ पे y² है, फिर यहाँ y² और z x है, दोनों सेम है क्योंकि a + b = b + a होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है नंबर्स में, तो यहाँ पर भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक ये a + b और ये b + a हैं।
तो हम लिख सकते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर है y स्क्वायर प्लस जी एक्स, और अंदर बचता है x माइनस ये वाला z। तो ये हमारे पास आ गए हैं फैक्टर्स, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने जो टाइप डिस्कस की है एक्सप्रेशन की, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी की टाइप को, इसमें हमने सबसे पहले जो स्टेप में सॉल्व किया वो हमने ग्रुपिंग की थी फैक्टर्स की, उसके बाद हमने फर्दर इसको जो है वो कॉमन लिया था, इस तरह से हमने फैक्टर्स बनाए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टाइप करेंगे एक्सप्रेशन की, तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।